स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट्स और न्यूज़ की, और वो यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सितंबर से सैलरी में जो इजाफा होगा यानी DA को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं उसी को लेकर चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या खबर है। तो केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनधारियों को जल्द जो है अच्छी खबर मिल सकती है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनधारियों को DA में जो बढ़ोतरी का फैसला मिल सकता है, और ये बढ़ोतरी जो है जुलाई में महंगाई भत्ता 3% और बढ़ने की संभावना है। सरकार की तरफ से जल्द इसका ऐलान किया जा सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक 17% महंगाई भत्ता मिलता है, जो बढ़कर 31% हो जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की 3 किस्तों पर रोक लगा थी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर माह से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31% हो जाएगा यानी 31% हो जाएगा, जिसका मतलब कि मासिक सैलरी में 3,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की महंगाई दर को जो लेकर आंकड़े जारी किए गए थे उसमें मई 2021 में इंडेक्स में 0.5 अंक की बढ़ोतरी के साथ यह 120.6 पर पहुंच गया। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लागू माना जाएगा, हालांकि केंद्र सरकार दशहरे से पहले इसका भुगतान कर सकती है। तो एक बार फिर कर्मचारियों की DA को लेकर खबर है कि DA में बढ़ोतरी जो है 3% और बढ़ने की संभावना है जुलाई में महंगाई भत्ता। फिलहाल अभी महंगाई दर जो चल रही है 6% महंगाई दर चल रही है, ऐसे में इस हिसाब से जो है महंगाई के बढ़ते आंकड़ों के हिसाब से जो है DA लगाया जाता है, और इसी DA को ध्यान में रखते हुए जो अंकों में बढ़ोतरी होती है इसके हिसाब से जो DA बढ़ाया जाता है। तो सितंबर से सैलरी में भी इजाफा होगा और DA जो सरकार 31% कर सकती है कर्मचारियों के महंगाई भत्तों को, और उसके हिसाब से इसका भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार दशहरे से पहले इसका भुगतान भी कर सकती है। तो ये जरूरी अपडेट आप सभी कर्मचारियों के लिए इस वीडियो में। थैंक यू।